बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। वहाँ भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बस ट्रक से टकरा गई। बताया गया कि दिवाली मनाने सिकंदराबाद से बस के जरिए कुछ लोग लखनऊ अपने घर पर जा रहे थे। जैसे ही ये बस रीवा के सुहागी पहाड़ पहुंची, वहां पर एक ट्रक से टकराई। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। हादसे में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक ट्रॉले से बस की जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें भी जो घायल लोग हैं उनको तो तत्काल रीवा पहुंचा दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट शुरू होना शुरू हो गया है और लगभग 10 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, क्योंकि जो टक्कर थी वो सीधे बस जो है वो सीधे ट्रॉले में अंदर जाके चली गई है। और आगे ट्रॉला किस कारण से रुका, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ये दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 14 लोग मौत के मुंह में सो गए, कैसे यह हादसा हुआ? वाकई बहुत दर्दनाक हादसा है, क्योंकि दीपावली की खुशियां मनाने के लिए लोग हैदराबाद से सिकंदराबाद के लिए बस में सवार होकर यात्री लखनऊ की तरफ जा रहे थे। दरअसल वो सिकंदराबाद से निकले थे और इस बीच में जब कटनी के पास ये पहुंचे तो उस समय ये हादसा हुआ और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। और रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र में इस हादसे में 14 लोगों की मौत के साथ 40 लोगों घायल हुए हैं। सभी घायलों को जो सबसे बड़ा अस्पताल है रीवा का, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया और आगे इस बात की जांच हो रही है। लेकिन हादसा जो बताया गया है कि सीधी टक्कर बस की ट्रॉली से हुई है और सीधी टक्कर के समय रफ्तार भी बस की ज्यादा थी, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई और जिसकी वजह से इतने सारे लोग घायल हुए और जिनमें कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ठीक है मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।